نیر نیر جان بہ پانے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یہ دیکھو ٹینٹ کو کیا ہو رہا ہے अल्हम्दुलिल्लाह हम बंगस पहुंच गए हैं। बंगस अभी हम टेंट्स लगा रहे हैं और लेट बहुत ज्यादा हो गया है। इस टाइम 9:15 हो गए हैं। 1:30 पे हम घर से निकले हैं और 9:15 पे हम यहाँ पहुंचे। अभी खाना भी पकाना है, बाकी सारी चीजें करनी है। अगर मुझे बीच बीच में मौका मिला मैं वीडियो कैप्चर करता रहूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह आप सुबह ही डायरेक्टली मिलते हैं या कैंप रेडी करके या खाना पका के मिलते हैं। अभी के लिए टाइम बहुत कम बचा है तो हमें कैंप्स रेडी करने। टेंट हमने सेट कर लिया है और दोनों दो टेंट साथ लाए थे, दोनों टेंट सेट कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें गैस चूल्हा मिला। यहाँ पे जो डोक वाले होते हैं, जो यहाँ पे कोठे में रहते हैं, उनका टेंट भी यहाँ पे सामान भी मिलता है, जूसेस मिलते हैं, सारे कुछ सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है आपको। इन लोगों से हमने गैस किराए पे लिया तो हम खाना अभी, क्योंकि बहुत रात हो गई है, इस टाइम आग जलाना बहुत मुश्किल है, तो हम इस टाइम गैस पे ही खाना पकाएंगे। दो बंदे गए हैं पानी लाने और चावल धोने एंड ऑल, तो फिर खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद बस आराम करना है, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है, थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची है। लगा है तुम्हें फिर से यार, वो डाउनलोड नहीं करेगा तो तेरे पास नहीं होगा। गैस पे सारा काम होके अब हमने आग जलाई, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। और वो आप चांद देखो वहां पे कितना खूबसूरत है, दिखेगा तो नहीं बट एक बात बोलना लेकिन मुझे दिख रहा है ना इतनी काफी है। बोलना हाँ क्या ना, आग जलाते हुए टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स सीख ली लोकल लोगों से। लोकल टिप्स, खाना ठंडा हो जाएगा, हमें खाना खाना चाहिए। ये नील खाने में जो मजा आया ना, ये खाना खाने में जो मजा आया ना, मुझे लगता है ऐसा मजा मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया। क्या बोलते हो भाई लोग? बेस्ट मील है ना, बेस्ट मील। ऑल थैंक्स टू इदरीस भाई फॉर दिस। मतलब सबने किया, किसी एक बंदे ने अकेले नहीं किया, लेकिन जो बट कुकिंग वाला पार्ट जो इदरीस भाई ने किया, लेकिन जो हम थके थे ना दिन भर और अभी जो खाना मिला है ना, मिला ओह माय गॉड, ये बहुत जबरदस्त था। अब बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे थोड़ा बहुत बंद करूंगा और सुबह फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थक गए हैं बहुत, रेस्ट करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, खुद के लिए भी टाइम निकालना है तो वो भी होना चाहिए। तो अभी हम सुबह मिलते हैं डायरेक्टली इंशाल्लाह। तो रात के 12:30 बजे अभी और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। ये जो मोमेंट होता है ना, ये जो लम्हे होते हैं ना, इनका जवाब ही नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये बहुत जगह है यार। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बंगस वैली। बहुत ही खूबसूरत सुबह वो देखो आप, इसलिए बिकॉज आज जो है थोड़े बादल हैं, लेकिन जो नज़ारा खूबसूरत है जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इन माय ओपिनियन, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सुबह सुबह यहाँ के छोटे बच्चे और हमारा टेंट, रात भर बहुत ज़्यादा अच्छी नींद हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई रात भर। बाहर घोड़े जो है वो आवाज़ें कर रहे थे, बार बार जग रहे थे कि कोई है, लेकिन जो एडवेंचर, जो मज़ा, जो सुकून मिला है वो शायद ही कहीं मिला हो अभी तक, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था।
अब मैं मुंह धोने जाता हूँ वहाँ ऊपर, वहाँ उस जगह पे ऊपर से पानी आता है ग्लेशियर का शायद किसी जगह से या बर्फ़ से होगा किसी जगह से, तो वहाँ जाके ठंडे पानी से मुँह धोते हैं और फ्रेश हो जाते हैं आज एक नए दिन के लिए, नए एडवेंचर के लिए। और यहाँ की जो एक ख़ास बात है जो मैं आपको बोलना भूल गया था वो ये है कि यहाँ की घास जो होती है ये बहुत स्पंजी होती है, बहुत ज़्यादा स्पंजी है। अब देखो पैर उधर ही धंस जाता है, घास उतनी मोटी नहीं है लेकिन स्पंजी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी ये जगह, इस जगह को बहुत ख़ास माना जाता है कि यहाँ का, यहाँ की घास जो है उसे एज ए डेंडलोप पानी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, मेरी आंखें इतनी ठंडी हो गई। बहुत खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत जगह मैंने कभी नहीं देखी है, ऐसी खूबसूरत जगह मैंने कभी नहीं देखी है। और हमारे टेंट जो है वो ऊपर उस जगह लगे थे, और यहाँ से हर जगह पे आपको वो कोठे डोक देखने को मिलेंगे वहाँ से लेके पूरा उस जगह तक। वहाँ पे बहुत सारी भेड़ बकरियाँ हैं वहाँ पे। चलो मैं पहले आपको वहीं लेके चलता हूँ, मैं आपको वहीं दिखाता हूँ पहले। यहाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत हवा चल रही है सुबह सुबह, और धूप भी अभी है नहीं, तो उस वजह से ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं चाय बनाने का इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा एक तो भूख भी मिटेगी, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा गर्मी भी हो जाएगी, आग भी जलाएंगे ना, तो अब छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है वो जमा करेंगे वहाँ पर है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ से तो साथ ले जानी है थोड़ी थोड़ी सी लकड़ियाँ। अभी लकड़ी सारी गीली होगी, बाहर बहुत तेज़ हवा, बहुत बारिश हो रही है, तो बाहर रहना बहुत मुश्किल है। आग जलाई थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर जो है बहुत मौसम ख़राब है। क्या है बाहर मौसम ख़राब? ये देखो टेंट को क्या हो रहा है, टाइम अच्छा टेंट्स लगा। ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स यहाँ भी बंगस हम आए थे, और जब जिस टाइम हम पहुँचे थे 9:15 पे, तभी ये लोग भी यहाँ पहुँचे थे, तो सैल्यूट टू देम। यहाँ पे भी वैक्सीनेशन चल रही है, कि इनकी मेहरबानी है जिनकी वजह से
अभी हम सुरक्षित है, अभी सेफ है थोड़ा बहुत हम लोग। तो अभी ये लोग जा रहे हैं वहाँ वैक्सीनेशन करवाने। तो अभी हमारी मॉर्निंग चाय जो है वो भी गैस पे ही बन रही है, आज आग पे हमने कुछ भी नहीं बनाया, आग बस गर्मी के लिए जलाई थी। अतुल्ला साहब आज गैस पे चाय बना रहे हैं। चाय चमक त्रेश त्रेश आबिद भाई इज माय पार्टनर। जल्दी आ है। बिल्कुल सुरूद नोमान नोमान अच्छे हैं नोमान। नियर जी अनु पाने तो यहां अनु पाने ही क्यों करने। नाइट स्टे हमने, नाइट कैंप हमने छोटी बंगस में किया था, जिसका नज़र आपने बहुत बार देखा अभी इस वीडियो में। और अभी हम जा रहे हैं बड़ी बंगस। बड़ी बंगस इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ से हम 2-3 बजे तक वापस आ जाएंगे इस छोटी बंगस से, और छोटी बंगस से हम फिर वापस यहाँ से चले जाएंगे। और ये देखो यहाँ कितना कूड़ा जमा है। और ये लोकल्स मतलब जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए आते हैं, वही सब लोग ये डालते हैं। और फिर जमा किनको करना पड़ता है? इन डोक वालों को, कोठे वालों को, इन सब लोगों को ये सब चीज़ जमा करनी पड़ती है। इसलिए बेटर है जब आप इन जगहों पे आते हो तो खुद ही जमा करो, खुद ही या तो जलाओ या तो साथ ले जाओ, खाते आप हो और कलेक्ट किसी और को करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप खुद ही इन चीज़ों का ख्याल रखो। तो अभी हम चलते हैं बड़ी बंगस की तरफ, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। छोटी बंगस आपको ऐसी लग रही है, आप सोचो बड़ी बंगस जो इससे बड़ा मैदान है वो कितना खूबसूरत होगा। इस नज़ारे को कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब जो मेरी आंखें इस टाइम देख रही है वो कैमरा बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर 3-3.5 लाख का भी कैमरा होगा, 5 लाख का भी कैमरा होगा, ये चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो ये खूबसूरत नज़ारा मेरी आँखें देख रही है। देखो तो अभी बंगस, बड़ा बंगस ज़्यादा दूर नहीं है, बस उस पहाड़ के पीछे ही है। वो वाले पहाड़ के नहीं, सामने वाले छोटा सा पीक है, चले वहीं चलते हैं अब। और यहाँ पे पेड़ नेचुरली बहुत सारे गिरे हुए हैं, काटे नहीं है किसी ने, गिरे हैं खुद ही। چلو یہ ہو دپان قص اہن حظ آ بالکل پتہ زن اللہ تعالیٰ کیا خدا سی پتہ چلو فی الحال پکو اس بڑی بنگس بڑی بنگس تم
इस ट्रिप की, इस कैंप की सबसे बड़ी गलती हुई हमसे, पूछो क्या, वो ये है कि जहाँ पर हमने कैंप किया था, जहाँ पर हमने टेंट लगाया था, वो कुछ नहीं है, ये जगह है। वहाँ से लेके स्टार्ट होता है, उस वाले साइड से लेके स्टार्ट होता है, ये कैमरा में मैंने पहले ही बोला कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, वहाँ से स्टार्ट होता है वो एरिया सारा, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद वो पहाड़ है ना जो पीछे वाला पहाड़ दिख रहा है आपको, वेट, ये पीछे वाला पहाड़, ये है बड़ा बंगस, और इसके आगे भी बहुत ज़्यादा है। और हमने कैंप कहाँ किया था, छोटे बंगस में, वो भी कुछ कम नहीं था, लेकिन इसके मुकाबले में फीका, बिल्कुल फीका था। और यहाँ का नज़ारा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब यहाँ आके ऑब्वियसली बात है अल्लाह ताला की कुदरत तो हर जगह दिखती है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना, इन जगहों पे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाए ही ना, जो बाकी दुनिया है, जो शोर शराबे वाली दुनिया है, उससे हट के बिल्कुल यहाँ पे रहने आ जाए, ये अल्टीमेट है। जो यहाँ नहीं आया वो कहीं नहीं गया। मैं विजी गया था, वहाँ भी मैंने बोला कि जो वहाँ नहीं गया वो कहीं नहीं गया, यहाँ के मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ नहीं आया वो कहीं नहीं गया। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस बंगस। ये पेट योगन अगर तुम कैमरा हू यह गो बोड़ बंगस, ठीक, इस बैक साइड से यह गो लोक बंगस योगन होकुन, यह गो लोक बंगस, यह गो बोड़ बंगस, ठीक, यह युक चौकन बोड बोड़ बंगस, यह लकट बंगस को चौकन बोड़, मगर बस लकुट ये हथ गली तक लगान डोड घंट पैदल डोड घंट चल बस हो यो गली यह जाए बोन वसान वह तकरीबन वह मिनट बोन कुन गाड़ी, ठीक, वह मिनट से लगान अतन बन गाड़ी थे गली पे लगान वह मिनट तप योतान लगान डोड घंट पैदल डोड घंट डोड घंट योर बंगस बूट लागने जरूरत ही कि चप्पल लागने जरूरत ही कि दलदल जमीन डनलोप जमीन योकन ज्यादा योकन ज्यादा योकन तूत क्यों तथा हाड वोकन ज्यादा नरम वोकन कन पोल तक वत कन पोल तुम लगोम जारत पे कुल अपर मजबा जारत अतन जारत अतन چلو شکریہ یہ گو پہ کن پہ بال اپور گو لشر مودان دودی مودان اچھا مطلب بوڑ ایریا اصلی وچن لائق جائے یہ ہورے پوش ووش نا قدرتی پوش پھلے سے نیران سہ ہورے آ وی تقریباً ام پتہ دہ دہ آس یہ پھلے اپر ات سائڈس درامت تو ون تیوت شین ون وات شین یت گئی وہ دہ شین وتم یتھ ایریا یت گئی وہ دہ کم ٹائم گوت آئے رات اہس تیوت ٹائم گوت کھیل وہ فی وری البتہ تیوت ٹائم گوت کھیل जैसा कि मैंने पहले बोला कि कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जो हम आँखों से यहाँ पे देख सकते हैं वो कैमरा में बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि आँखें जो देख सकती है वो कैमरा बिल्कुल नहीं देख सकता। तो अब जिसको भी आना होगा ये सब चीज़ें देखने के लिए, उसको खुद आना पड़ेगा। अब तो यहाँ सीज़न भी स्टार्ट हो गया, अब तो सारे टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल्स भी आते हैं, और खाने पीने की भी बिल्कुल टेंशन नहीं यहाँ पे, खाने पीने की सब कुछ है यहाँ पे, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। रात को रहना होगा लेकिन उसको पहले परमिशन लानी है। हाँ, परमिशन लानी होगी। चाहे अपने तहसीलदार से लाओ या फिर अपना बागतपुरा जो कैंप है हंदवाड़ा बागतपुरा में, वहाँ से परमिशन लानी होगी। बस फिर हम रात को या दो दिन के लिए रुकते हैं, उनको रात को रुकने के लिए हमारे पास जगह है। ठीक ठीक ठीक। तो फिर आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, खाने पीने का सामान भी सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ, और रहना भी होगा तो वो भी अवेलेबल, रहने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी सब कुछ मिलेगा। तो जिसको आना होगा इस जगह, बड़ा बंगस प्रेफर करो, बड़ा बंगस आना, बड़ा बंगस छोटा बंगस के सेंटर में, सेंटर में है। हाँ, जिनको ट्रैकिंग करनी होगी वो जिस रास्ते से मैंने दिखाया वो वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन जिनको आसान रास्ता चाहिए, जिनको इजी रास्ता चाहिए, वो भी सुनो। वो आप लोग जो है हिंदवाड़ा से नौगम वाला रास्ता पकड़ो, हिंदवाड़ा से जो मावर रोड है वो रोड पकड़ो, मावर से लास्ट TCP कैंप क्रॉस होते हुए रिशवाड़ी पुठवाड़ी गाँव नौगम,
और यहाँ पे आपको बंगस गली से नीचे 20 मिनट का रास्ता पड़ता है, जहाँ पे आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आप वहाँ से बंगस गली तक 20 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप आगे प्लेन ही प्लेन है, फिर आगे कुछ वो जो गली है वो उसकी बात हो रही है वहाँ पे। रुको मैं दिखा दूँ, वो वाली गली जो है वो उस वाली गली से यहाँ यहाँ तक, ये आपको लग रहा होगा ये बहुत यहाँ तक कम है, लेकिन 1.5 घंटा लगेगा इसमें पैदल पैदल पैदल। हाँ, ज़्यादा तो ये बहुत ईजी रास्ता है। तो फाइनली अब इस ब्यूटीफुल सी वैली को अलविदा कहने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह फिर से यहाँ एक प्लान बनाएंगे, लेकिन तब हम बड़ी बंगस में जो है पूरा कैंप करेंगे। वो 2-3 दिनों का इंशाल्लाह कैंप होगा, आज तो 1 नाइट कैंप था। बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला यहाँ पे। ऐसा एडवेंचर मैंने कभी किया नहीं, मतलब ऐसा सुकून मुझे कभी नहीं। मैंने इतने सारे कैंप किए हैं, लेकिन आज मुझे वाकई में लगा कि नहीं, कुछ किया है। तो इस ब्यूटीफुल सी वैली को अब अलविदा करते हैं और इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा मैं और शॉर्ट्स ऐड कर दूंगा आगे जाके अगर कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन व्लॉग को ऑफिशियली यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ गया। अगर आपको किसी भी रीज़न से आज का व्लॉग पसंद आया हो और इनका साथ पसंद आया हो, ये सारे लोग जो है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दो। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। वो उस जगह ऊपर हमने कैंप किया था और आए हम वहाँ से थे, वो जो रास्ता जा रहा है और जाना अब इस साइड से है। ये डॉग बराबर बंगस से हमारे साथ है, मतलब बंगस जहाँ से जहाँ पे हमने कैंप किया था, इसका और एक वहाँ पे है, वो आगे है। और आप देखो ये पीछे पीछे आता है हमारा, ये एक डॉग पीछे, पहले एक डॉग आगे जाता है, एक पीछे रहता है, फिर ये चेंज करके एक जो है वो आगे जाता है, दूसरा पीछे रहता है, पूरा जहाँ पे हमने कैंप किया था। और ये साथ क्यों है, वो इसलिए क्योंकि हमने इनको बिस्किट्स डाले थे जब हमने सुबह चाय पी, तो हम लोगों ने इनको बिस्किट्स डाले थे और तब से लेके अभी तक ये बिल्कुल साथ चल रहे हमारे। अभी ये आगे जाएगा और उस वाले को पीछे भेजेगा। ये कम से कम पिछले 1 घंटे से ऐसा ही कर रहे हैं। अब ये पीछे पीछे चलेगा, जो वो ब्लैक वाला था वो आगे आगे गया, अब ये आएगा पीछे पीछे जहाँ तक हम जाएंगे। सेम जैसा मैंने बोला था, मैं रुकूंगा ये भी रुकेगा, मैं रुकूंगा ये भी रुकेगा, मैं चलूँगा ये भी चलेगा। पल्सर सेम, ये बराबर जहाँ पे हमने कैंप किया था तब से यही चल रहा है।